तो आज मेरा 21 डेज हो गया है मिनट अप्लाई करते करते, अभी तक तो मेरा एक भी बाल नहीं आए, एक भी बियर्ड नहीं हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत सारे लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, 15 दिन हुए, चाहे आप कोई भी मिनोफिल यूज़ करते थे या फिर आप बियर्ड ग्रोथ जो किट्स आता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा आता है, लोग थोड़ा परेशान भी हो जाता है। और मैं तो बोलता हूँ कि बियर्ड ग्रोथ किट्स जो अभी यूज़ करते हो तो पर इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बता दो, अगर आपके पास पैसे कम है तो सिर्फ मिनोक्सिडिल और डर्मारोलर से स्टार्ट करो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, बस ब्रांड मतलब थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एल्कोहल फ्री यूज़ कर रहे हो तो मार्स मैन मेटस वो ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मिनटॉप की तरफ जाना है तो इंडिया का नंबर वन मिनोफिडिल है, आपको बेटर रिजल्ट प्रदान करता है, बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तो इसी के ऊपर जा सकते हो। बाकी सब आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको ओरिजिनल पोर्टल का लिंक मिलेगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं हमारा मतलब 21 दिन में बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रहा, 15 दिन में नहीं हो रहा, तो अभी शुरू की हो जर्नी और अभी तुरंत यूट्यूब में आके सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ कुछ जानकारी। सबसे पहले आपको याद सबर रखना, होना जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप एक दिन अप्लाई किए फिर नहीं हो सकता, मेरे से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तुरंत शीशे में जाके देख रहे हो नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। कंटिन्यू आप कम से कम 2 महीने तक यूज़ करो, इसके बाद रिजल्ट ना मिले तो ही आप इसके बारे में सोचना कि अरे यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे को ब्रांड चेंज करना है। अधिकतर लोगों में बता दो 2 महीने के बाद ही रिजल्ट शुरू होता है। मैं खुद अपना बताया कि 2 महीने के बाद मुझे रिजल्ट मिला था, अभी आप देख सकते हो ना मेरे पास कितना बियर्ड है। और हकीकत यह है कि बियर्ड आने में थोड़ा समय लगेगा, और जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तो टाइम तो लगेगा, अगर जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जल्दी ग्रोथ हो सकता है। और जिसको पेची बियर्ड वाले हैं, आप बियर्ड टोनिंग की तरफ पहले जाइए, इसके बाद मिनोफिडिल की तरफ आइए। और नेचुरल कुछ हेल्प चाहिए तो दोस्तों आपको स्लीप यानी कि नींद आपको 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटा करना है। उसके बाद टेंशन यानी कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लोग अधिकतर टेंशन से उसका हेयर भी चले जाते हैं और बियर्ड भी नहीं उग पाते हैं। बात यह है कि आपको टेंशन भी नहीं लेना, उतना अपने आप को फ्री रखना है, प्लस में आपको डाइट अच्छी खासी लेके चलना है अपना जो रूटीन के साथ, और एक्सरसाइज भी करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब है। और पानी तो याद रखना, पानी पीना, ये 4-5 मिनट तो आपके ऊपर है। तो दोस्तों तो बाकी सब मैं अगले वीडियो में और भी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको 15 दिन 20 दिन के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, अभी नहीं तो 1 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, सब्र रखना जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।